हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCQ क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स 2022। ये अप्रैल तक की अपडेटेड लिस्ट है और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं। किसी भी मिनिस्ट्री का नाम दे दिया जाता है और उस मिनिस्टर का नाम पूछते हैं कि वो मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर के पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं वो देख लेते हैं। तो इनके पास जो सबसे पहली मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियांसिस एंड पेंशंस। एक मिनिस्ट्री इनके पास ये है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, दो डिपार्टमेंट पीएम मोदी के पास ये है। ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इशू एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। बाकी जो कोई मिनिस्टर को किसी को अलॉट नहीं होते हैं पोर्टफोलियो, वो भी पीएम के पास ही रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह। इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि जो मिनिस्टर है डिफेंस के मिनिस्टर है। चलिए देखते हैं अगले। अगले हैं श्री अमित शाह। अमित शाह जो मिनिस्टर हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन। अभी हाल ही में जो मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ये नई नई बनी है तो ये इंपॉर्टेंट रह सकती है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं अगले मिनिस्टर। अगले मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी। ये मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। चलिए देखते हैं अगले मिनिस्टर कौन है। अगली मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। इनके पास जो मिनिस्ट्री है ये है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो बजट पेश किया था वो इन्होंने ही पेश किया था इस वर्ष का। चलिए देखते हैं अगले मिनिस्टर को। अगले मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले मिनिस्टर को। अगले मिनिस्टर हैं श्री सुब्रमण्यम जयशंकर। ये मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चलिए देखते हैं अगले। अगले जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री अर्जुन मुंडा। इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। चलिए देखते हैं अगले मिनिस्टर को। अगले हैं श्री नारायण टाटू राणे। ये हैं मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, MSME। चलिए देखते हैं अगले मिनिस्टर। अगले मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति ईरानी। ये हैं आपकी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट हैं आपके श्री पीयूष गोयल। ये जो मिनिस्टर हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक मिनिस्ट्री इनके पास ये है। दूसरी है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड तीसरी है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। चलिए अगले हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये हैं आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हैं आपके मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी। ये मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्री सर्बानंद सोनोवाल। ये जो मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, और दूसरा है मिनिस्टर ऑफ आयुष। इनके पास ये दो मिनिस्ट्री हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी। ये हैं मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्री डॉक्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये जो मिनिस्टर हैं वो हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह। ये हैं मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट हैं श्री ज्योतिराव सिंधिया। ये आपके जो मिनिस्टर हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हैं श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। ये है मिनिस्टर ऑफ स्टील, स्टील मिनिस्ट्री इनके पास है। नेक्स्ट है आपके श्री अश्वनी वैष्णव। इन ये हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस,
एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके पास ये तीन मिनिस्ट्री हैं। अगला देखते हैं, अगले हैं श्री पशुपति कुमार पारस, इन ये हैं मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के। नेक्स्ट नेक्स्ट हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट मिनिस्टर नेक्स्ट हैं आपके किरण रिजिजू, ये हैं मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हैं आपके श्री राजकुमार सिंह, ये हैं मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट हैं आपके श्री हरदीप सिंह पुरी, ये हैं मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हैं आपके मिनिस्टर मनसुख मांडविया, इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट हैं आपके मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव, ये हैं आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड सेकेंड है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इनके पास दो मिनिस्ट्री है। चलिए नेक्स्ट हैं हमारे श्री महेंद्र नाथ पांडे, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हैं आपके मिनिस्टर श्री परशोत्तम रूपाला, ये हैं मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी, ये मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट हैं आपके श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये हैं आपके मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय।